क्या बिहार में शराबबंदी लागू कराने में पुलिस फेल है? क्या शराबबंदी की फिर से समीक्षा की जरूरत है? बिहार में शराब माफिया के नेटवर्क भेद पाना मुश्किल है। यह सवाल इसलिए क्योंकि छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद अब वैशाली में भी शराब से 3 लोगों की मौत की बात कही जा रही है। छपरा में 11 लोगों की मौत के बाद अब वैशाली में भी शराब से संदिग्ध मौत के मामले सामने आ रहे हैं। शायद ही आपने कभी देखा होगा कि उठी हुई अर्थी को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया हो, लेकिन वैशाली में ऐसा हुआ है। जंदाहा में करण कुमार नाम के युवक की मौत हुई। परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात फिजाओं में फैली कि मौत के पीछे की वजह शराब है, पुलिस ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और पोस्टमार्टम कराने अस्पताल ले आई। वैशाली ही नहीं, राजापाकड़ में भी एक युवक की संदिग्ध मौत हुई। परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों ने शराब पीने के बाद मौत की आशंका जाहिर की है। राजापाकड़ में मुन्ना नाम के युवक की मौत हुई है, जिसके भाई का साफ साफ कहना है कि मौत के पीछे की वजह शराब है। घर पे चला गए तो बोले कि देखे, तब उतना देर में सर ड्राइवर को पैसा खुद देने लगे। हाँ, गांव में दारू बिक रहा है, प्रशासन डेली छापा मार रहा है, लेकिन इसके बावजूद दारू बंद नहीं हो रहा है। ये सब जो नया नया लड़का है, कहाँ से पता है, क्या है, दिखता है, तब ये नहीं रहा है। जानकारी के मुताबिक वैशाली के अलग अलग इलाकों में 3 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है और तकरीबन 5 से ज्यादा लोग बीमार हैं। आशंका जताई जा रही है कि मौत की संख्या बढ़ भी सकती है। छपरा के बाद वैशाली में भी जहरीली शराब कांड होने की बात कही जा रही है और संदिग्ध परिस्थिति में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि ये जो मौत का जो आंकड़ा है वो अभी और आगे बढ़ सकता है और अब धीरे धीरे जो है वो लोगों की तलाश करके अस्पताल लाया जा रहा है। शराब से संदिग्ध मौत के बाद एक बार फिर पुलिस पर गहरे सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम राजापाकड़, महुआ, देसरी और जंदाहा में डोर टू डोर जांच के लिए घूम रही है। अपील की जा रही है कि जो लोग बीमार है वो फौरन इलाज करवाए, इसकी पोस्टमार्टम कराए। अगर उस तरह की बात आएगी तो आगे कार्रवाई की जाएगी। और 2 लोग थे, ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे पास एक ही आदमी का सूचना है। ये रंथी में था, घाट कर ये लेके जा रहा था रंथी पर और हम लोग वहाँ पर सूचना दी गई, अफवाह फैला, गॉड नोज क्या आया। जाहिर है छपरा में जहरीली शराब कांड और वैशाली की घटना के बाद ये साफ हो चुका है कि पुलिस की मुस्तैदी में बड़ी लीकेज है। वैशाली से न्यूज 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। दरभंगा के एक प्रोफेसर जो जेडीयू के नेता भी हैं, उनका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर तैरने लगा है। प्रोफेसर अनिल बिहारी खट्टीक शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के इरादे से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और तभी प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने उनका रास्ता रोक दिया। फिर क्या था, रास्ता रोके जाने से गुस्साए प्रोफेसर छात्रों को अपनी हेकड़ी दिखाने लगे। आंखों में रैन बैन का चश्मा, सफेदी की चमकार लिए झकझक सफेद कुर्ता, सनरूफ खोलकर अपनी कार की सीट पर खड़े नेताजी। हैं तो प्रोफेसर पर इनकी हनक देखिए, और भाषा तो ऐसी कि सड़क छाप गुंडा भी लजा जाए। देखिए ये कैसे छात्रों को हड़का रहे हैं। नेतागिरी का नशा इन पर इतना हावी है कि एक प्रोफेसर होने की गरिमा क्या होती है इसका एहसास हवा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की श्रद्धा में डूबे ये अनिल खट्टीक हैं। ये जेडीयू का झंडा ढोते हैं और कोई उनके नेता के खिलाफ खड़ा हो जाए तो जनाब एड़ी से चोटी तक लहर जाते हैं, प्रोफेसरी भूलकर धमकाने लगते हैं।
जनाब को शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना था, सो पूरा माहौल बनाकर घर से अपनी सीडान कार में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, पर छात्रों ने उन्हें घेर लिया। सीटेट और बीटेट के सफल अभ्यर्थी बहाली की मांग लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। नेताजी को बड़े नेताजी के आगे नंबर बढ़ाना था और ऐसे मौके कम ही मिलते हैं, पर छात्रों ने घेर कर उनके प्लान को पलीता लगा दिया, सो नेताजी बमक गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने छात्रों के आक्रोश को भांप लिया, मीडिया का कैमरा भी उनकी नजर में आ गया। एक कुशल नेता की तरह अनिल खटिक रंग बदलने की कला में भी माहिर निकले और लगे हाथ जोड़ने, पर छात्र कहां मानने वाले थे। न तो उन पर नेताजी की धमकी का असर पड़ा और न ही हथजोड़ी का। अंततः जनाब को अपना रास्ता बदलना पड़ा। वर्तमान के ये प्रोफेसर साहब भविष्य के असल नेता निकले। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।